नास्तिक दरिंदा शहंशाह किमाम खाकेथू। हालत देखिए अपनी, अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसी अपडेट से आपको आगाह करने वाला हूँ जो बिल्कुल भी अभी तक आपने नहीं सुनी। वेलकम के मजनू भाई हों या उदय शेट्टी, अब हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार के साथ कॉमेडी का तड़का लगाने वाले मशहूर बॉलीवुड हदायतकार साजन नाडिया वाला इन दिनों खबरों में है। इनके आने वाली फिल्म हाउसफुल 3 है। इस फिल्म के हवाले से हर रोज एक नई अपडेट सामने आती है। इस बार फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। फिल्म की कास्ट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हदायतकारों ने फिल्म में मजीद 2 अदाकारों को शामिल किया है, जिनमें से पहले इस तमाम फिल्म में 2 अहम अदाकारों अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के नाम सामने आए हैं। जिनमें से पहले इस फिल्म में 2 अहम अदाकारों अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के नाम सामने आए हैं। पीपिंग की रिपोर्ट के मुताबिक अब हदायतकार ने वेलकम फ्रेंचाइज की टीम को हाउसफुल फ्रेंचाइज में शामिल करने का फैसला किया है। यानी अब वेलकम की टीम हाउसफुल 5 में रितेश देशमुख के साथ फ्रेंचाइज नजर आने वाली है। अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और अनिल कपूर फिल्म वेलकम 5 में नजर आने वाले हैं। अनिल कपूर और नाना पाटेकर की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म में अनिल कपूर ने मजनू का किरदार अदा किया था और नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी का किरदार अदा किया था। इससे पहले नाना पाटेकर को हाउसफुल 4 में भी कास्ट किया था, लेकिन फिर तनुश्री दत्ता के इल्जाम की वजह से इनका नाम फहरिस्त से निकाल दिया गया। इस वक्त नाना पाटेकर को उनकी जगह ले लिया गया है। अदाकारा राणा रघुपति हाउसफुल 5 बॉलीवुड की सबसे कामयाब तरीन फिल्म फ्रेंचाइज होगी। सुपरहिट फिल्म दोस्ताना की हदायत करने वाले तरवन मनसुखानी का दावा है कि हाउसफुल 5 शानदार कहानी और जबरदस्त VFX के साथ शायकीन के सामने पेश की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये हाउसफुल फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म होगी। फिल्म में वेलकम 5 फ्रेंचाइज का पास्ता नजर आएगा। यानी फिल्म में चिंकी पांडे की शिरकत की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं वेलकम टू द जंगल के हवाले से। रोज नाडीवाला का कहना है कि वेलकम सीरीज के 3rd हिस्से का ऐलान कर दिया है। अक्षय कुमार की सालगिरह के मौके पर उन्होंने कहा है कि इस फिल्म वेलकम टू द जंगल इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक अच्छा सा कॉमेंट करें। मजीद बॉलीवुड अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।